सीधा सीधा बोला ना कि तू माई के गाना बेच के खा गयला। मैं साथ साथ रहे वाला परिवार बिगर गया। Copyright disclaimer under section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Nonprofit, educational or personal use tips the balance in favor of fair use. दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बहुत ही बेहतरीन फिल्म के बारे में बताने वाले हैं। तो दोस्तों, बने रहे इस वीडियो में। दोस्तों, हम साथ साथ हैं एक भोजपुरी फिल्म का नाम है, जिसका ट्रेलर 2 जुलाई 2024 को रिलीज किया गया है। यह फिल्म हिंदी फिल्म हम साथ साथ की तरह ही है, जिसमें पारिवारिक रिश्तों को बड़े ही खूबसूरत अंदाज में दिखाया गया है। हिंदी फिल्म की तरह ही इस फिल्म में 3 एक्टर और एक्ट्रेस हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं हम साथ साथ हैं भोजपुरी फिल्म की सारी जानकारी, जैसे कि फिल्म की शूटिंग, रिलीज डेट, फिल्म के सभी कलाकारों के नाम और फिल्म की कहानी के बारे में। दोस्तों, इस फिल्म की शूटिंग दिसंबर 2023 में उत्तर प्रदेश के बलरामपुर ज़िले में शुरू हुई थी और फरवरी के महीने तक इस फिल्म की शूटिंग समाप्त भी हो गई थी। फिल्म की शूटिंग ज़्यादातर उत्तर प्रदेश में ही हुई है और अब जाकर इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज़ किया गया है। दोस्तों, भोजपुरी फिल्म का ट्रेलर 2 जुलाई को एंटरटेन रंगीला यूट्यूब चैनल पर रिलीज़ किया गया है। फिल्म का ट्रेलर बहुत ही अच्छा है और पारिवारिक पर बनी हुई है। दोस्तों, अभी इस फिल्म की रिलीज करने की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन जब फिल्म का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है तो फिल्म भी कुछ ही दिनों में रिलीज की जाएगी। दोस्तों, इस फिल्म में लीड रोल में गौरव झा निभा रहे हैं, उनके साथ देव सिंह, प्रेम सिंह, अंजना सिंह, यामिनी सिंह, सालू सिंह, के गोस्वामी और माया यादव हैं। दोस्तों, इस फिल्म को वर्ल्ड वाइड फिल्म प्रोडक्शन द्वारा प्रस्तुत किया गया है। म्यूजिक ऑन इंटरटेन रंगीला है। निर्माता प्रदीप सिंह, विनय सिंह, मोनिका सिंह और प्रदीप सिंह हैं। इस फिल्म के निर्देशक अजय कुमार झा हैं, लेखक अरविंद तिवारी और संगीत ओम झा, गीत अरविंद तिवारी, छायांकन मनोज कुमार सिंह है। दोस्तों, इस फिल्म की कहानी में एक परिवार है, जिसमें 3 भाई देव सिंह, गौरव झा, प्रेम सिंह और उनकी 3 पत्नियां अंजना सिंह, यामिनी सिंह और रब्भा सहनी, और इनके माता और पिता रहते हैं। सबसे छोटे बेटे रहते हैं प्रेम सिंह, जिनकी शादी फिल्म में होती है और पूरा परिवार एक साथ खुशियां मनाता है। लेकिन जब इनके पिता का निधन हो जाता है तो परिवार में छोटी छोटी बातों पर झगड़े शुरू होते हैं और इन सभी की बीवियाँ आपस में लड़ती हैं। सबसे पहले बात होती है कि उनकी माँ के गहने को बेच दिया है। सबसे बड़े भाई देव सिंह ने फिर तीनों औरतें घर में खाना बनाने वाला चूल्हा तोड़ देती हैं और फिर सब अपने पिता की मौत की बरसी अलग अलग मनाते हैं। फिर देव सिंह मझले भाई गौरव झा पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि पिताजी की पेंशन का सारा पैसा उसने रख लिया। मतलब तीनों भाई और उनकी पत्नियां एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाती है। फिर बीच में उनके खेत भी कोई भाई बेचने चला जाता है और फिर सब कहते हैं कि पिताजी की बरसी के बाद उनके परिवार का बंटवारा होगा। अब क्या सच में उनका परिवार टूट जाएगा या फिर पहले की तरह ही उनका परिवार एक साथ रहकर साथ में खुशियां मनाएगा, यह आपको इस फिल्म को देखने के बाद पता चलेगा। दोस्तों, आप लोग इस फिल्म का ट्रेलर एंटरटेन रंगीला के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। दोस्तों, वर्ल्ड वाइड फिल्म प्रोडक्शन प्रस्तुत बहुप्रतीक्षित भोजपुरी फिल्म हम साथ साथ हैं का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। यह भोजपुरी सिनेमा के प्रेमियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। इसे दर्शकों द्वारा बेहद पसंद किया जा रहा है। यह एक संपूर्ण पारिवारिक फिल्म है। इसके निर्माता प्रदीप सिंह, विनय सिंह, मोनिका सिंह और प्रतीक सिंह है।
इस फिल्म के निर्देशक अजय कुमार झा हैं। फिल्म का ट्रेलर एंटरटेन रंगीला के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से रिलीज हुआ है। भोजपुरी फिल्म हम साथ साथ हैं के ट्रेलर में रोमांस और पारिवारिक ड्रामा की झलक दिख रही है, जो दर्शकों को फिल्म देखने के लिए और अधिक प्रेरित करती है। फिल्म की कहानी मूलतः तीन भाइयों पर केंद्रित है, जिससे खुद को दर्शक भी कनेक्ट कर पा रहे हैं। फिल्म में तीन भाइयों और उसकी पत्नियों के इक्वेशन समाज की सच्चाई में कहीं ना कहीं रूबरू करवाने वाली है, जो दर्शकों को फीडबैक आया है। हम बात कर लेते हैं फिल्म की कहानी और ट्रेलर के आउटरीच पर। फिल्म का ट्रेलर 3 मिनट 21 सेकंड का है, जो आपको बार बार अपनी ओर आकर्षित करने वाला है। गाने अच्छे हैं, डायलॉग सुग्राह्य हैं, हर सीन एक दूसरे को जस्टिफाई करते हैं। फिल्म में गौरव झा, देव सिंह, प्रेम सिंह, अंजना सिंह, यामिनी सिंह और सालू सिंह की अदाकारी लाजवाब है। दोस्तों, ट्रेलर में दिखाए गए दृश्यों से यह स्पष्ट होता है कि फिल्म की कहानी परिवार, प्यार और संघर्ष के इर्द गिर्द घूमती है। दोस्तों, हम साथ साथ हैं कि निर्माता प्रदीप सिंह ने बताया कि यह फिल्म परिवार के महत्व और एकजुटता पर आधारित है। दोस्तों, बता दें कि फिल्म हम साथ साथ हैं में गौरव झा, देव सिंह, प्रेम सिंह, अंजना सिंह, यामिनी सिंह, सालू सिंह, रंभा सहनी, माया यादव, ललित उपाध्याय, PRO रंजन सिन्हा हैं, जबकि लेखक अरविंद तिवारी हैं, संगीतकार ओम झा हैं, गीतकार अरविंद तिवारी हैं, छायांकन मनोज कुमार सिंह हैं, संकलन गुरजंट सिंह और नृत्य कानू मुखर्जी का है, कला रणधीर एन दास, वेशभूषा विद्या विष्णु और कार्यकारी निर्माता कमल यादव और डिजाइनर नरसू हैं। दोस्तों, वर्ल्ड वाइड्स फिल्म प्रोडक्शन प्रस्तुत भोजपुरी फिल्म हम साथ साथ हैं का ट्रेलर रिलीज हो गया है। यह एक पूरी तरह से पारिवारिक फिल्म है। इसके निर्माता प्रदीप सिंह, विनय सिंह, मोनिका सिंह, प्रतीक सिंह और निर्देशक अजय कुमार झा हैं। फिल्म का ट्रेलर एंटरटेन रंगीला के यूट्यूब चैनल पर रिलीज किया गया है। दोस्तों, इस फिल्म के ट्रेलर में रोमांस और पारिवारिक ड्रामा की झलक दिख रही है। यह फिल्म तीन भाइयों की कहानी है, जिसमें एक आम परिवार की झलक मिलती है। जब एक घर में तीन भाई हों तो उनकी पत्नियों के बीच, देवरानी जेठानी के बीच खट्टा मीठा रिश्ता एक अलग ही रंग जमाता है। इसे देखकर कुछ लोग इसकी तुलना बॉलीवुड फिल्म हम साथ साथ हैं से कर रहे हैं, मगर निर्माता निर्देशक ने इससे इनकार कर दिया है। इसके सभी गाने लोगों को पसंद आने वाले हैं, डायलॉग दिल में उतर जाने वाले हैं, हर एक सीन को बारीकी से फिल्माया गया है। दोस्तों, फिल्म में गौरव झा, देव सिंह, प्रेम सिंह, अंजना सिंह, यामिनी सिंह और सालू सिंह की अदाकारी बेजोड़ दिख रही है। ट्रेलर में दिखाए गए दृश्यों से मालूम हो रहा है कि फिल्म की कहानी परिवार, प्यार और उनके संघर्ष के बीच घूमती है। दोस्तों, इस फिल्म के निर्माता प्रदीप सिंह ने बताया कि यह फिल्म परिवार के महत्व और एकजुटता पर आधारित है। फिल्म की शूटिंग विभिन्न खूबसूरत लोकेशनों पर की गई है, जिससे ग्रामीण भारत की सुंदरता देखने को मिलेगी। उम्मीद है कि फिल्म जब आएगी तो सफलता के नए कीर्तिमान बनाएगी। सोशल मीडिया पर ट्रेलर को लाखों व्यूज और लाइक्स मिल चुके हैं और दर्शक बेसब्री से फिल्म का रिलीज का इंतजार कर रहे हैं। PRO रंजन सिन्हा के अनुसार दोस्तों, इस फिल्म में गौरव झा, देव सिंह, प्रेम सिंह, अंजना सिंह, यामिनी सिंह और सालू सिंह, माया यादव, ललित उपाध्याय, लेखक अरविंद तिवारी, संगीतकार ओम झा हैं, गीतकार अरविंद तिवारी हैं, छायांकन मनोज कुमार सिंह का है और कोरियोग्राफी कानू मुखर्जी का है। दोस्तों, आज के समय में भोजपुरी फिल्मों और गानों को पसंद करने वाले दर्शकों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है, क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री दुनिया भर में अपनी पहचान बनाने में कामयाब हो रही है। एक समय था जब भोजपुरी इंडस्ट्री को सिर्फ अश्लीलता के लिए ही जाना जाता था। इसका नाम सिर्फ इसलिए खराब था क्योंकि
फिल्मों में बहुत ही गंदे सीन्स और होते थे, वहीं गाने भी डबल मीनिंग वाले होते थे। लेकिन देखा जाए तो आज भोजपुरी इंडस्ट्री एक अलग लेवल पर पहुंच चुकी है। भोजपुरी गानों का क्रेज सिर्फ भोजपुरी दर्शकों तक ही सीमित नहीं रहा है, बल्कि विदेशों तक भोजपुरी गाने सुने जाते हैं। वहीं इसी बीच खबर आ रही है कि भोजपुरी में हम साथ साथ हैं फिल्म बन रही है, जिसका पोस्टर भी सामने आ चुका है। हिंदी सिनेमा की फिल्म हम साथ साथ हैं आप सभी को याद होगा, ये एक एवरग्रीन फिल्म है जिसे आज भी दर्शक उसी भाव के साथ देखते हैं। ये फिल्म 1999 में रिलीज हुई थी, जिसे बहुत अधिक पसंद किया गया था। वहीं अब सुनने में आया है कि भोजपुरी में भी हम साथ साथ हैं फिल्म बनाई जा रही है, जिसका फर्स्ट लुक आउट हो चुका है। जिस तरह हिंदी फिल्म हम साथ साथ हैं में तीन कपल थे, उसी तरह भोजपुरी की हम साथ साथ हैं के सामने आए पोस्टर में तीन कपल दिखाई दे रहे हैं, जिससे दर्शक प्रयास लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं इस फिल्म की कहानी हिंदी फिल्म से मिलती जुलती हो सकती है। दोस्तों, इस फिल्म में यामिनी सिंह और गौरव झा लीड रोल में हैं। इन दोनों के अलावा फिल्म में देव सिंह, अंजना सिंह, प्रेम सिंह और सालू सिंह भी अहम किरदारों में हैं। दोस्तों, हम साथ साथ हैं फिल्म को अजय कुमार झा ने निर्देशित किया है, जबकि अरविंद तिवारी ने फिल्म की कहानी लिखी है। वहीं प्रदीप सिंह, विनय सिंह, मोनिका सिंह और प्रतीक सिंह फिल्म के निर्माता हैं। बताते चले कि इस फिल्म का ट्रेलर 2 जुलाई को सुबह 6 बजे रिलीज किया जा चुका है, तो आप लोग इस फिल्म का ट्रेलर देख सकते हैं।